राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू हमीरपुर में जूनियर छात्रों की रैगिंग की पुलिस जांच पूरी हो गई है। अब इस मामले को इसी हफ्ते न्यायालय में चालान पेश होगा और न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन और बचाव पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। न्यायालय में अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषियों को सख्त सजा सुनाई जाएगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू हमीरपुर में जूनियर छात्रों से रैगिंग की पुलिस जांच पूरी हो गई है। अब इस मामले में इसी हफ्ते न्यायालय में चालान पेश होगा। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन और बचाव पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। न्यायालय में अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषियों को सख्त सजा सुनाई जाएगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू हमीरपुर में सितंबर माह में कॉलेज में अंतिम वर्ष के एक सीनियर छात्र और एक अन्य ने इसी कॉलेज में पढ़ने वाले जूनियर छात्रों की रैगिंग ली थी। हालांकि ये घटना कॉलेज के साथ ही एक निजी भवन में हुई है। सभी छात्र इस भवन में किराए पर कमरा लेकर रहते थे। जूनियर कक्षाओं के छात्रों ने इस बारे में कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास शिकायत दी, जिसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच कर आरोपों को सही पाया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने हमीरपुर पुलिस थाना में इस मामले की लिखित में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश की। जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपी और पीड़ित छात्रों के बयान कलमबद्ध किए। अब इस मामले की जांच पूरी हो गई है। पुलिस इस मामले में शीघ्र ही कोर्ट में चालान पेश करेगी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजित सेन ठाकुर का कहना है कि इस मामले की पुलिस जांच पूरी हो चुकी है, शीघ्र ही न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त चले छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।